ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में मीडिया जगत से जुड़े हुए पत्रकार गणों का स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बघेरा स्थित आनंद सरोवर में रविवार को मीडिया जगत से जुड़े हुए पत्रकार गणों का स्नेह सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के विषय में ब्रह्मा कुमारी चैतन्य प्रभा ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ब्रह्मा कुमारीज का एक अनूठा प्रयास है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को अविस्मरणीय बनाने का यह प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारीज तथा भारत सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2022 में 12 मास चलने वाले अभियानों में भारतवर्ष के लगभग ब्रह्म कुमारीज के 4000 सेवा केंद्र सम्मिलित हैं, जिसमें 15000 कार्यक्रम के माध्यम से 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। समाज में बदलाव लाने तथा समृद्ध भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए मीडिया को अपनी भूमिका प्रमुखता से निभानी होगी। मीडिया समाचारों में समस्या के साथ समाधान की भी बात करें तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी दुर्ग की संचालिका ब्रह्म कुमारी रीटा बहन ने सभा में उपस्थित पत्रकार गणों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम आज़ादी के आज़ादी अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर वर्ष भर चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी मनुष्य आत्माओं में आध्यात्मिकता द्वारा आंतरिक शक्तियों प्रेम शांति खुशी का संचार सभी में हो, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से हम पत्रकारों का काफ़ी जुड़ाव रहा है। रीटा बहन जी समय समय पर हमें आमंत्रित करती हैं, हम आते हैं। इस बार कोविड काल की वजह से बहुत समय बाद यहाँ आना हुआ, लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से आध्यात्मिक चेतना को लेकर यह संस्था काम कर रहा है तो बहुत ही सराहनीय है, और साल भर तक इस संस्था में भी जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चलेगा वो बहुत ऐतिहासिक होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। आज का प्रोग्राम का मेन जो लक्ष्य था आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था 2022 में पूरा जनवरी से दिसंबर तक इस महोत्सव को मनाएगी, जिसमें हर महीने अलग अलग वर्गों को हम आयोजित कराएंगे प्रोग्राम। तो जैसे आज पत्रकारों को बुलाया गया, प्रेस बंधुओं को, फिर फरवरी के लास्ट में शिवरात्रि का प्रोग्राम धूमधाम से मनाएंगे, फिर मार्च में महिला दिवस का महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम करेंगे, अप्रैल में किसानों का सम्मेलन करेंगे, मई में बाल दिवस आयोजन होगा, जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जुलाई में डॉक्टर्स का प्रोग्राम, अगस्त में 15 अगस्त में उन स्वतंत्रता सेनानियों के जो महानायक हैं जिन्होंने देश को आज़ादी के लिए अपना खून भी बलिदान कर दिया, ऐसे महानायकों को स्मृति दिलाई जाएगी, और फिर सितंबर में शिक्षकों का प्रोग्राम करेंगे, और अक्टूबर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पर विशेष हम स्वच्छ भारत अभियान करने वाले हैं, और नवंबर में पूरे विश्व में धूमधाम से इसका समापन समारोह है 4-8 अक्टूबर माउंट आबू डायमंड हॉल में। तो इस प्रोग्राम का लक्ष्य है हर भारत की जनता के अंदर एक आज़ादी के उन परवानों के प्रति एक दिव्य स्मृतियां लाना और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को फिर से जागृत करना। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।